आजमगढ़ के मुबारकपुर में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान फ्यूचर ग्रुप लैंग्वेज की तरफ से एक शामी गजल का आयोजन कस्बे के एक मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं ने प्रसिद्ध शायरों की गजल को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में मशहूर शायर अब्दुल गनी अजहर रहमानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नूर नगमा का विमोचन भी किया गया, तथा कस्बे के अम्मार अदीबी ने गनी अजहर रहमानी के साहित्यिक सेवाओं को स्वीकार किया। अब्दुल गनी अजहर ने कहा कि हमने अपना अधिकांश जीवन उर्दू साहित्य की सेवा में बिताया है और एक नज्म को भी उन्होंने इस मौके पर सुनाया। तो वहीं फिल्म जगत के नए निर्देशक फहीम इरशाद भी मौजूद रहे। बता दें कि फिल्म आनी बानी जो इन्होंने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, पिछले दिनों केरला गवर्नमेंट ने एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था जिसमें फहीम की फिल्म को बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इस अवसर पर फ्यूचर ग्रुप के डायरेक्टर सिराज अहमद सिद्दीकी, जावेद चिश्ती, शायर महताब पयामी इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज आपको कैसा अवार्ड दिया गया है? ये मेरी किताब नूर नगमा के रस्म इजरा की खुशी में अवार्ड ये मिला है मुझे। और किसकी तरफ से मिला है अवार्ड आपको? अब ये जी फ्यूचर ग्रुप की तरफ से मुझे फ्यूचर ग्रुप मुबारकपुर की तरफ से मुझे दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी किताब का क्या नाम है? नूर नगमा। मेरी किताब का नाम है नूर नगमा। आप शायरी से कितने दिनों से ताल्लुक रखते हैं? मैं सन 1961 से करीब, देख लीजिए कितना होगा। आप अपने शायरी के माध्यम से कुछ कोई एक नज़्म सुना दीजिए। मैं चलेंगे यूं ही खिजां के झोंके तो जी न क्यों कर निढाल होगा, जो लुट गई दौलते बहारा तो क्या चमन का माल होगा, कफस नसीबो नगम करो अब चमन भी रहने की जा नहीं है, कफस तो एक कैद बालों पर है चमन में जीना मुहाल होगा, बहार के आसरे पे हमने किया था तलखाब ए खिजां को, ये क्या खबर थी बहार में भी सुकून दिल पाए माल होगा। एक फिल्म है आनी मानी जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट करी है। आजमगढ़ मेरा हवाई वतन है, बॉम्बे रहता हूँ, वहीं पे मैं राइटिंग करता हूँ, स्क्रीन राइटिंग, और यहाँ आया था। एक केरला गवर्नमेंट एक फेस्टिवल कराती है, फिल्म फेस्टिवल IFK, जिसमें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला और बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड मिला, जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया। मुबारकपुर आ गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टैलेंट है यहाँ पे, काफ़ी इल्मी। समाज को आज़ादी दीजिए, वो खुद तय कर लेंगे, आप क्यों बताएंगे या हम क्यों बताएंगे, समाज को खुद तय कर लेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।